चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। सड़क पर फर्राटा भरते किसी वाहन की नंबर प्लेट पर यदि UK 06 लिखा दिखाई दे तो समझ लीजिए वह रुद्रपुर का है। वही रुद्रपुर जो उधम सिंह नगर जनपद का जिला मुख्यालय है। वही रुद्रपुर जिसे उत्तर भारत के 10 सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में गिना जाता है, जहां BHEL, टाटा, अशोक लीलैंड जैसी अनेकों विश्व स्तरीय औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। वही रुद्रपुर जहां पंतनगर हवाई अड्डा स्थित है। वही रुद्रपुर जो उत्तराखंड का 5वां सबसे बड़ा शहर है, जहां वर्तमान में 3 लाख की विशालकाय जनसंख्या निवास करती है। तो आइए रुद्रपुर शहर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं शहर के दिल दीनदयाल चौराहा से। दीनदयाल चौक पर ही रुद्रपुर डिपो का बस अड्डा स्थित है, जहां से बड़ी संख्या में उत्तराखंड, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के शहरों के लिए बस सेवाएं संचालित होती हैं। दीनदयाल चौराहा से रुद्रपुर की 4 मुख्य सड़कें प्रारंभ होती हैं। उत्तर में नैनीताल मार्ग, दक्षिण में रामपुर मार्ग, पूर्व में किच्छा बाईपास एवं पश्चिम में जाने वाली सड़क काशीपुर बाईपास के रूप में पहचानी जाती है। काशीपुर बाईपास पर चंद कदमों की दूरी पर एक और मुख्य चौराहा अग्रसेन चौक नजर आता है। इस महत्वपूर्ण चौराहे से दक्षिण में गांधी पार्क एवं मुख्य बाजार एवं उत्तर की मुख्य सड़क सिविल लाइंस में प्रवेश करती है। अत्याधुनिक इमारतें, चमचमाते वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स इस ओर बहुतायत में नजर आते हैं। यह सड़क कुछ दूरी तय करके पूर्व की ओर मुड़कर नैनीताल रोड स्थित परशुराम चौक से जोड़ देती है। काशीपुर बाईपास मार्ग रुद्रपुर की बेहद मुख्य सड़कों में एक है। रुद्रपुर के समस्त मुख्य बाजार काशीपुर बाईपास के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। रुद्रपुर को चंद वंशीय राजा रुद्रचंद ने 1600 ईस्वी में बसाया था। काशीपुर बाईपास मार्ग गुरु नानक रोड तिराहा, पुलिस फायर स्टेशन, सुभाष चौक इत्यादि से होते हुए लगभग 1.25 किलोमीटर सफर तय करके काशीपुर रोड स्थित गावा चौक से जोड़ देती है। दीनदयाल चौक से रामपुर की ओर कुछ दूरी तय करने के पश्चात अंबेडकर चौक से पश्चिम में रुद्रपुर का मुख्य बाजार प्रारंभ होता है। अत्याधुनिक एवं सुविकसित बाजार और रुद्रपुर की भव्यता, संपन्नता एवं सुंदरता को दर्शाते हैं। रुद्रपुर 1801 में अंग्रेजों के हाथों में आया। 1839 में इसे बरेली जनपद में सम्मिलित किया गया। 1865 में तराई जनपद की स्थापना होने पर इसे तराई जिले में शामिल कर दिया गया, जिसका मुख्यालय काशीपुर था। 1991 में कुमाऊं जिले की नैनीताल तहसील को काटकर तराई जनपद में सम्मिलित किया गया एवं तराई जिले का नाम बदलकर नैनीताल कर दिया गया। तब किच्छा को तहसील घोषित करके रुद्रपुर को एक कस्बे के रूप में किच्छा तहसील में शामिल किया गया। मुख्य बाजार के दोनों ओर जाने वाली सड़कें पूर्णतः विकसित बाजारों के रूप ले चुकी हैं। मुख्य बाजार में एक और मुख्य चौराहा भगत सिंह चौक स्थित है, जहां से मुख्य बाजार दक्षिण की ओर घूमकर गल्ला मंडी रोड के रूप में पहचाना जाता है। 1994 में नैनीताल जिले की 4 तहसीलों काशीपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा को जोड़कर उधम सिंह नगर जनपद की स्थापना की गई एवं रुद्रपुर को केंद्र में होने के कारण जिला मुख्यालय घोषित किया गया। कुछ वर्षों पूर्व ही रुद्रपुर को तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ है। गल्ला मंडी रोड गल्ला मंडी से होते हुए काशीपुर रोड में सम्मिलित हो जाता है। मुख्य बाजार के दक्षिण में रुद्रपुर का मुख्य गुरुद्वारा स्थित है। गुरुद्वारा के चारों ओर एक सड़क गोल बाजार के रूप में पहचानी जाती है। गुरुद्वारा से पूर्व की ओर मुख्य सड़क रामपुर रोड एवं उत्तर की ओर मुख्य सड़क गुरुद्वारा रोड के रूप में मुख्य बाजार में जोड़ती है। मुख्य बाजार से सटे प्रताप मार्केट एवं गुड़ मंडी आदि भी रुद्रपुर के मुख्य व्यापारिक केंद्र हैं। मुख्य बाजार से उत्तर में काशीपुर बाईपास से जोड़ने वाली भल्ला लेन एवं संत बाबा लालदास मार्ग पर भी बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। दीनदयाल चौक से प्रारंभ होने वाला रामपुर रोड दक्षिण में शहर के एक और मुख्य चौराहे इंदिरा चौक पर पहुंचता है।
इंदिरा चौक भी रुद्रपुर की बेहद व्यस्त चौराहों में गिना जाता है। यहाँ से पूर्व की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग किच्छा की ओर एवं पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग काशीपुर की ओर प्रस्थान करता है, जो गल्ला मंडी तिराहा एवं गाबा चौक होकर काशीपुर की ओर प्रस्थान कर जाता है। इसी मार्ग के निकट ही रुद्रपुर का रेलवे स्टेशन स्थित है, जहाँ रामपुर को हल्द्वानी काठगोदाम से जोड़ने वाला रेल मार्ग गुजरता है। इंदिरा चौक से दक्षिण में रामपुर रोड शहर की अनेकों आवासीय कॉलोनियों एवं सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय होकर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ओर प्रस्थान कर जाता है। इसी मार्ग द्वारा रुद्रपुर मुरादाबाद दिल्ली मेरठ बुलंदशहर इत्यादि मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। दीनदयाल चौराहा से उत्तर की ओर नैनीताल रोड रुद्रपुर की बेहद मुख्य सड़कों में एक है। इस मार्ग पर कुछ दूरी तय करते ही परशुराम चौक स्थित है, जहां से पूर्व की ओर का एक बड़ा हिस्सा आवास विकास के रूप में पहचाना जाता है। नैनीताल मार्ग पर कई भव्य शॉपिंग मॉल, कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय, सिडकुल इत्यादि स्थित हैं। इसी सड़क द्वारा पंतनगर हवाई अड्डा एवं हल्द्वानी नैनीताल इत्यादि से रुद्रपुर शहर जुड़ा हुआ है। आवास विकास कॉलोनी शहर की बेहद विकसित एवं आधुनिक आवासीय कॉलोनी है, जहां अब बड़ी संख्या में वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स भी विकसित हो रहे हैं। दीनदयाल चौक से पूर्व में किच्छा बाईपास पर एक सुंदर झील का निर्माण किया गया है। यह मुख्य सड़क दीनदयाल चौक से ट्रांजिट कैंप मोड़, गंगापुर रोड तिराहा होकर किच्छा रोड तक 2 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। इस मुख्य सड़क पर तहसील रुद्रपुर, BHEL रुद्रपुर इत्यादि स्थित हैं। रुद्रपुर उत्तराखंड के 8 नगर निगमों में एक है। रुद्रपुर शहर को सामान्यतः 2 थाना क्षेत्रों कोतवाली रुद्रपुर एवं थाना ट्रांजिट कैंप में विभाजित किया गया है। यहाँ पूर्व समय में 3 सिनेमाघर संचालित होते थे, जो दर्शकों की बेहद कमी के चलते अतीत के पन्नों में कहीं खो गए और अब उनका स्थान अत्याधुनिक मल्टीप्लेक्सों ने ले लिया है। रुद्रपुर जैसे आधुनिक शहर को कैमरे में कैद करना अपने आप में एक गौरव की बात है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। रुद्रपुर शहर पर बना यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो रुद्रपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं आपका मित्र ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।